अस्सलाम वालेकुम। आज आपको सिंपल केक बनाना सिखा रहे हैं, जिसको बनाने के लिए स्पेशल रिक्वेस्ट की गई थी। चीज़ें आपको दिखा देते हैं। हमने मैदा लिया है 375 ग्राम, बेकिंग पाउडर 15 ग्राम, लेमन जेस्ट यानी लेमन के छिलके को हमने ग्रेट कर लिया है 1 टीस्पून, 3 अदद अंडे, 125 ग्राम ऑयल, 125 ग्राम दही और 125 ग्राम कैस्टर शुगर। केक का बैटर तैयार करने से पहले हम ओवन को प्री हीट कर लेंगे। केक को बेक करने के लिए ओवन को हम 170 डिग्री सेंटीग्रेड और इसकी नीचे वाली हीट ऑन कर देंगे। केक को बेक करने के लिए हमने 2 केक मोल्ड ले लिए हैं। आप एक ही मोल्ड में पूरा केक बना सकते हैं। अब हम इनको ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। इसमें हम बटर पेपर लगा देंगे, इसको भी ऑयल से ग्रीस कर लें। अब इसमें हम थोड़ा सा मैदा छिड़क देंगे और बचा हुआ मैदा निकाल देंगे। दूसरे मोल्ड को भी हम इसी तरह ग्रीस कर लेंगे। दोनों केक मोल्ड को हमने तैयार कर लिया है। ओवन को भी हमने प्री हीट कर दिया है। ये दोनों काम केक बैटर बनाने से पहले करने ज़रूरी हैं। अब हम केक का बैटर बना लेंगे। केक का बैटर बनाने के लिए हम एक बाउल में 3 अंडे, चीनी, ऑयल और दही डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सब चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें मैदा, बेकिंग पाउडर डालकर छान लेंगे। मैदा और बेकिंग पाउडर को छानकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अंडू और मैदे वाले मिक्सचर को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इनको केक टिन में डाल देंगे। केक बैटर को दोनों टिन में आधा आधा डाल देंगे। दोनों टिन में हमने केक के बैटर को डाल दिया है। अब हम इसको ओवन में 15 से 20 मिनट तक बेक कर लेंगे। ओवन को हमने 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऑन कर लिया था। आप अपने ओवन के टेम्परेचर के हिसाब से केक को बेक कर लें। अब हम इनको ओवन में रख देंगे। केक को हमने ओवन से निकाल लिया है। आप इसको टूथपिक या छुरी से इस तरह चेक कर लें। अगर साफ निकले तो इसका मतलब है केक बिल्कुल तैयार है। अगर गीला हो यानी बैटर इसके साथ चिपका हुआ हो तो केक को मज़ीद बेक कर लें। हमारा केक तैयार है। अब हम इसको ठंडा होने के बाद निकाल लेंगे। दोनों केक को ठंडा होने के बाद टिन से निकाल दिया है। आप चाहें तो इसी तरह काट कर चाय के साथ सर्व कर दें या फिर क्रीम के साथ फ्रॉस्टिंग कर लें। क्रीम के साथ फ्रॉस्टिंग करने के लिए हम केक को ऊपर से काट लेंगे। अब दूसरा भी इसी तरह काट लेंगे। दोनों केक हमने काट लिए हैं। अब हम क्रीम की फ्रॉस्टिंग बना लेंगे। क्रीम तैयार करने के लिए यहाँ हमने 1.5 कप क्रीम लिया है, जिसको अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है। अब इसमें 2 से 3 चम्मच चीनी डाल देंगे। चीनी आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें 1 टीस्पून वनीला एसेंस डाल देंगे और इसको बीटर से बीट कर लेंगे। क्रीम को फ्लफी होने तक हमने बीट कर लिया है। क्रीम को हमने तैयार कर लिया है। अब हम केक को शुगर सिरप या किसी भी जूस के साथ सोक कर लेंगे। हमने मिक्स फ्रूट का जूस लिया है, इसे हम केक को सोक कर लेंगे। जूस लगाने के बाद इस पर हम क्रीम लगा देंगे। अब हम इस पर केक का दूसरा पीस रख देंगे, इस पर भी जूस लगा देंगे। अब हम पूरे केक को क्रीम के साथ कवर कर लेंगे।
पूरे केक पर हमने क्रीम लगा दी है। अब हम पिघली हुई चॉकलेट इस पर लगा देंगे। आप चाहें तो इसको बटर पेपर की कोन में डालकर केक के चारों तरफ लगा दें, या फिर इसी तरह चम्मच के साथ इसको लगा दें। केक के चारों तरफ हमने पिघली हुई चॉकलेट लगा दी है। अब हम केक की डेकोरेशन कर लेंगे। डेकोरेशन आप अपनी मर्जी से कोई भी कर सकते हैं। यहाँ हमने चॉकलेट फ्रॉस्टिंग ली है, उसको पाइपिंग बैग में डाल दिया है और आगे स्टार नोजल लगा दिया है। इसे हम केक को डेकोरेट कर लेंगे। केक को हमने चॉकलेट फ्रॉस्टिंग के साथ डेकोरेट कर दिया है। आप चाहें तो सिंपल इसी क्रीम के साथ केक को डेकोरेट कर लें, जिससे हमने केक को कवर किया है। अब हम इस पर ये कलरफुल स्प्रिंकल्स डाल देंगे। केक को हमने डेकोरेट कर दिया है। डेकोरेशन आप अपनी मर्जी की कोई भी कर सकते हैं। आप भी इसको ज़रूर बनाएं और बताएं आपका केक कैसा बना। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।